हेलो गाइज, स्वागत आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज लेके आइए हम आपके लिए मैथ में क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 सम नंबर 3 पार्ट नंबर 7। फाइंड dy / dx इन द फॉलोइंग cos y इज इक्वल टू में x cos a plus y। यहां से गाइस अपने निकालना है डेरिवेटिव dy / dx निकाल के लाना, ठीक है। इसका अपने गाइस डेरिवेटिव निकाल देना है। कैसे निकाल देना है गाइस? cos का डेरिवेटिव sin होता है, माइनस साइन होता है, सॉरी cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन y, इनटू में y का डेरिवेटिव जैसे हो जाएगा dy / dx इज इक्वल टू x cos y as it is, x as it is u इनटू v का लगाएंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन a plus y इनटू में a का डेरिवेटिव 0 प्लस में y का डेरिवेटिव dy / dx प्लस cos a plus y as it is x का डेरिवेटिव जैसे बन हो जाएगा। तो अब गाइस जैसे हमें अगर dy / dx को मैं निकालना चाहिए इनटू में यहां से बचेगा माइनस का sin y, माइनस का sin y यहां से है, माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है x sin a plus y, ठीक है, इज इक्वल टू में cos, ये वाली टर्म उधर है, उधर ही है ना, इधर ही है गाइस, तो cos a plus y ये टर्म उधर ही रहेगी, ठीक है, सही है। हां जी गाइस, अब dy / dx में माइनस sin y प्लस x sin a plus y इक्वल टू में cos a plus y बना गाइस। अब गाइस अपने ये जो टर्म है ना उधर लेके जा रही है, तो dy / dx में इधर चला जाएगा dy / dx से उधर जाके, जैसे cos a plus y cos of a plus y और बटा में आ जाएगा गाइस, क्या जाएगा गाइस, पहले इसको आप लिख देते हैं x a into sin a a plus y, ठीक है, माइनस का sin y, ये आ जाएगा गाइस। अब यहां से गाइस अपने x की वैल्यू निकालनी होगी ताकि आंसर मैच हो जाए, तो आंसर मैच करने के लिए आपको यहां से x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे x वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी cos y अपॉन में cos of a plus y आ जाएगी, cos of y / में cos of a plus y आ जाएगी। अब x की वैल्यू ये वो वाली रखते हैं गाइस यहां पर, ठीक है ना, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा कि cos a of a plus y / में x की वैल्यू रखी है अपने cos y cos y sin a of a plus y minus a, जैसे बटा में जाएगा, जैसे cos गाइस cos चला जाएगा a plus y चला जाएगा, ठीक है। इसका आप LCM भी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, cos a plus y का LCM भी ले लेंगे, मतलब ये आ जाएगा cos a cos b, cos a sin b, sin a cos b, cos a sin b, cos a sin b, तो ये टर्म इधर चले जाएगी, cos a cos of a प्लस बी इनटू में गाइस साइन वाई, तो पढ़ाई जैसे पढ़ाई है ना, तो साइन वाई यहां पर आ जाएगा, साइन वाई यहां पे फार्मूला बिट होना गाइस, क्या होना फार्मूला उठने के जाना है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, कौन सा लग जाएगा, साइन ए माइनस बी वाला, जो ये टर्म है ना डबल बिन हो गई, जो गाइस डबल फ्रैक्शन हो गई, ये चला जाएगा ऊपर, वहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिलाकर dy / dx क्या जाएगा, dy / dx ये टर्म ऊपर चली जाएगी जाएगी, तो cos a square of a plus y / में sin a cos b plus minus cos a sin b, तो ये बन जाएगा sin of a, ये टर्म a मतलब a plus y minus b, b मतलब y, ठीक है, तो y से तो y काट देंगे आप, तो कुल मिलाकर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos a square of a plus y / में गाइस sin a / में क्या आ जाएगा, sin a आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से अपने ये वाला आंसर निकाला था। अब चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 8। इस गाइस 8th पार्ट में x y इज इक्वल टू
टेंजेंट x भाई ये गाइस यहां से भी आपने क्या निकाल के लाना है dy / dx निकाल के लाना, तो गाइस आपको इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे यहां पर लगेगा u / v का फार्मूला, टेंजेंट की एंगल के भीतर लगेगा u / v का फार्मूला। तो फर्स्ट डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकंड है y का डेरिवेटिव dy / dx प्लस है y / dz x का डेरिवेटिव है। टेंजेंट का डेरिवेटिव जैसे secant square xy इनटू में x का x / dz y का डेरिवेटिव जैसे dy / dx प्लस में y का y / dz x का डेरिवेटिव जैसे गाइस x बन जाएगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा अपन, ठीक है। तो गाइस अब अपने ये वाले ब्रैकेट खोल लेनी है, तो बन जाएगा क्या x secant square xy इनटू का dy / dx प्लस y इनटू में secant square एक्स वाई, ठीक है। इस तरीके से गाइस यहां से चला हुआ है x से dy / dx से प्लस y। अब गाइस अपने dy / dx को कॉमन निकाल लेना है, कॉमन निकाल ले यार, dy / dx को कॉमन निकाल लिया इनटू में, यहां से क्या बचेगा x बचेगा, ये टर्म इधर आएगी तो किसमें आएगी माइनस में आएगी, माइनस x इनटू में secant square xy, ठीक है। ये इक्वल टू में गाइस उधर क्या बचा हुआ है y इनटू में secant square xy, ठीक है। इस तरीके से गाइस और ये जैसे y है ना उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा माइनस में चला जाएगा माइनस का y। तो गाइस इसमें से जैसे आप माइनस y को में निकालने के dy / dx वाले टर्म में से हम को में निकाल लेंगे गाइस x को में निकाल लेंगे। तो गाइस यहां से अपने y को में निकाल लेना है और यहां पर गाइस आपने x को में निकाल लेना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो y इनटू में नेगेटिव इधर आ जाएगा secant square xy minus 1 भीतर तो ये आ जाएगा बटे में गाइस बटे में आ जाएगा x को में निकाल कर इनटू में यहां पर आ जाएगा 1 है माइनस है secant है square xy। तो इधर चला हुआ गाइस dy / में dx से लगा, तो ये गाइस इस तरीके से अपने ये वाला आंसर निकलता है। एक मिनट गाइस अगर हम देखना चाहें तो क्या ये दोनों सेम है क्या गाइस, यहां से आप अगर माइनस को मैंने निकाल ले तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो जाता है, तो इसको अगर काटना चाहें ना तो माइनस को मैंने निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस को निकालते इसका निशान बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा गाइस बाहर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आया ना मतलब dy / dx इसका आ जाएगा dy / dx आ जाएगा माइनस y अपॉन x आ जाएगा dy / dx क्या आ जाएगा गाइस dy / dx आ जाएगा माइनस y / x आ जाएगा। तो यस गाइस आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू।